राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की बहुत ही सरल सेवा विधि बताने वाली हूँ। मेरे पास एक भक्त का कमेंट आया था कि वो 8वीं कक्षा के छात्र हैं और उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, और अगर होता भी है तो कभी तो वो लड्डू गोपाल को सुलाना भूल जाते हैं या कभी लड्डू गोपाल के वस्त्र धुलना भूल जाते हैं, और लड्डू गोपाल को कभी उनके पास इतना समय नहीं होता है कि प्रतिदिन लड्डू गोपाल को स्नान कराया जाए। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से आप लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको शाम का और रात्रि तक का लड्डू गोपाल का रूटीन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि शाम से और रात्रि तक लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करती हूँ मैं, वो भी आप लोगों को वीडियो ज़रूर पहुँचाई जाएगी। तो चलिए, देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आज लड्डू गोपाल की हम सेवा बताएंगे। तो चलिए, तो आज का जो टॉपिक है, हमसे लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा नहीं हो पाती है, कभी कभी उन्हें सुलाना भूल जाते हैं, कभी स्नान कराने का समय नहीं बचता है, कभी वस्त्र नहीं बदले जाते, तो किसी दिन स्नान हम प्रतिदिन नहीं करा पाते हैं। तो आज के वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की सेवा बताऊं कि जो कि पूर्ण सेवा होगी। सबसे पहली बात तो शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है, घर के मंदिर में लड्डू गोपाल की जो मूर्ति होती है, प्रतिमा होती है, वो ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने घर में अंगूठे के आकार की या लगभग 3 इंची तक की मूर्तियां घर में रख सकते हैं। वो कहा इसलिए जाता है क्योंकि 3 इंची से अधिक बड़ी जो मूर्तियां होती हैं उनकी पूजा में अधिक विधान होते हैं, जो कि अधिक बड़ी जो मूर्तियां होती हैं वो अधिकतर मंदिर में पाई जाती हैं और वो पूरी तरह से विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनको शयन कराया जाता है, विधिवत सारे कार्य किए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर के मंदिर में आप छोटी ही प्रतिमा रखें, फिर चाहे वो लड्डू गोपाल हो या किसी और देवी देवता या भगवान की मूर्ति हो। सबसे पहली बात तो आप जितनी सेवा कर रहे हैं आपके लिए उतनी ही पर्याप्त है। किसी की देखा देखी सेवा अधिक ना करें, क्योंकि कुछ दिन तो आप वो सेवा कर लेंगे लेकिन अधिक समय तक वो सेवा नहीं कर पाएंगे। तो जितनी आप सेवा करते आ रहे हैं उतनी ही सेवा दें प्रभु को। जब प्रभु को यानी लड्डू गोपाल को आपसे जितनी सेवा लेनी होगी वो हर हाल में वो अपनी सेवा ले ही लेंगे। आपके पास समय भी मिलेगा उनकी सेवा के लिए और समय बचेगा भी। तो देखिए, जिस प्रकार से आप अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं उस प्रकार जगा लेंगे। देखिए, सुलाना और जगाना ये सेवा का एक अलग पार्ट है। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल को ये सेवा दे रहे हैं तो देते आते रहिएगा, और अगर नहीं दी है तो ऐसा ये कंपलसरी नहीं है कि लड्डू गोपाल को आपको सुलाना ही है या जगाना ही है। ये तो अपना अपना एक भाव है, जो कि हम लड्डू गोपाल की अपने अपने भाव के अनुसार ही हम सेवा करते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर जगा लिया है। बस कुछ नहीं करना है, हमें शुद्ध सादा जल ले लेना है। मौसम के अनुसार ही हमें जल लेना होता है, और जिस भी पात्र में आप लड्डू गोपाल को स्नान करा रहे हैं इस बात का बस ध्यान रखें कि वो पात्र खाली नहीं होना चाहिए। या तो आप एक तुलसी दल रख दीजिएगा या आप थोड़ा सा जल डालकर पहले फिर अपने लड्डू गोपाल को उसमें बिठाइएगा, स्नान करा दीजिएगा। उसके बाद में पोंछ कर उनको जो भी आपके पास वस्त्र हैं लड्डू गोपाल के मौसम के अनुसार, गर्म या फिर कॉटन के गर्मियों के अनुसार, वो पहना देंगे। और आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आप बाकी के भगवान की पूजा सेवा करते हैं बस चंदन का तिलक लगाइएगा। ना आपको इत्र लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको आईना दिखाने की ज़रूरत है। ये सारी सेवा के एक अलग पार्ट होते हैं। बस मैं जो आपको बता रही हूँ, मेन सेवा जो प्रभु की होती है बस वो आपको करनी है प्रतिदिन। जो कि जो कुछ फेस्टिवल होते हैं, जैसे पूर्णिमा है या फिर एकादशी है, जो मेन तिथियां होती हैं, आप चाहे तो उन तिथि पर लड्डू गोपाल को इत्र सेवा दे सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं। जब आप करने लग जाएंगे तो आपको खुद महसूस होगा ये सारी सेवाएं देने में
जरा भी टाइम नहीं लगता है। अगर आप इत्र लगाएं तो कितने घंटों लगेंगे उसमें? नहीं ना, बस जरा से कुछ सेकंड लगते हैं इत्र लगाने में। आप चाहें तो ये सेवा दे सकते हैं, वरना आप लड्डू गोपाल को चंदन का तिलक लगाइएगा। दीपक तो आप जलाते ही हैं, बाकी भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए तो उसी प्रकार से दीपक जला करके आप इनकी पूजा आरती कर लीजिएगा। जो पूजा आरती आप अपने बाकी के भगवान के लिए गाते हैं वही यहाँ पर भी गा सकते हैं, और साथ में ही आप पूजा कर सकते हैं यानी आरती गा सकते हैं। और लड्डू गोपाल को आपको कोई भी अलग से भोग बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपके यहाँ दूध सभी के यहाँ अवेलेबल होता है, आप दूध का भोग लगाइएगा। कुछ भी नहीं है, आप चीनी के दाने ले सकते हैं, चीनी का, मिश्री का, और ड्राई फ्रूट्स सभी के घरों में रहते हैं तो कुछ नहीं, आप दो मखाने, दो किशमिश, दो चिरौंजी, दो इलायची जो भी रखकर आप दूध के साथ में भोग लगाएंगे वो लड्डू गोपाल ग्रहण करेंगे आपकी सेवा, और उनका पेट भी जैसी आपकी भावना होगी उसी प्रकार से उनका भर भी जाएगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप उनके लिए प्रतिदिन अच्छा अच्छा भोग बनाकर ही लड्डू गोपाल को भोग लगाइएगा। आपके पास जो भी जैसे भी सुबह मॉर्निंग में चीज़ें अवेलेबल होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनका भोग लगाकर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो लड्डू गोपाल के क्या नियम होते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा के कोई नियम नहीं होते हैं, आप अपने भाव के अनुसार उनको सेवा दे सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करते समय बस आप शुद्धता का खास ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, लड्डू गोपाल को रोजाना प्रतिदिन स्नान कराइएगा, मौसम के अनुसार जल का इस्तेमाल कीजिएगा और साफ स्वच्छ उनको वस्त्र पहनाइएगा धुले हुए। अगर आपके यहाँ सात्विक भोजन बनता है यानी बगैर प्याज लहसुन का खाना बनता है तो आप चाहें तो उसका भोग लगा सकते हैं, वरना आप सुबह शाम सिर्फ दूध की सेवा देकर, दूध का भोग लगाकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अभी आपको जितना समय मिल रहा है बस उतना समय दीजिएगा प्रभु को, जब अधिक समय मिलेगा तब आप प्रभु को यानी अपने लड्डू गोपाल की अधिक सेवा दीजिएगा और अधिक सेवा में उनका समय लगाइएगा। यानी आप दिन में कम से कम लड्डू गोपाल को दो बार भोग अवश्य लगाएं। आपका अगर सामर्थ्य है तो आप चार बार भी भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। दूसरा, अगर 12 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है आपके यहाँ तो वो बगैर स्नान किए भी पूजा सेवा कर सकते हैं, या आपके यहाँ सासू माँ हैं जो कि वृद्ध हैं वो भी लड्डू गोपाल की सेवा बगैर स्नान किए कर सकती हैं यानी उनको उठा सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो आप कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।